चलो ठीक। मैं बताता हूँ, अब बता दें जब शुरू करना है तो। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ मलिक, एन ए 148 मुल्तान 1 से सैयद यूसुफ रजा गिलानी साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जीता हुआ कैंडिडेट हूँ। हमारे पास जो फॉर्म 45 मौजूद हैं, जिसकी तस्दीक जो है हल्के के दूसरे उम्मीदवारों के फॉर्म 45 के साथ भी हो गई है, उसके मुताबिक मेरी 6000 से ज़्यादा की लीड है उन पर। जो फॉर्म 47 जारी किया गया आरओ की तरफ से, उसमें साबिक वज़ीर आज़म की 293 की लीड दिखाई गई। अब मज़ेदार बात यह है कि एक नया फॉर्म 47 जारी कर दिया गया है, जिसके तहत सिर्फ 104 की लीड रह गई उनकी। हमने एक रिकाउंट की एप्लीकेशन दी थी, जो कि हमारा एक बुनियादी हक है और आरओ का फ़र्ज़ है कि जब इतनी कम लीड हो तो रिकाउंट की एप्लीकेशन मंजूर की जाए। वो उन्होंने नहीं की, ज़ाहिर है दबाव में नहीं की, इसलिए हम कहते थे अदालती निज़ाम से आरओ आने चाहिए, तंजीमी ढांचे से नहीं आने चाहिए। बहरहाल अब हम वो दरख्वास्त लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुँचे हैं और उम्मीद रखते हैं जल्दी उसके ऊपर हेयरिंग की जाएगी, उसके ऊपर फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा मलिक साहब, ये बताएगा कि पोस्टल बैलेट आपके हल्के में वो क्या ओपन हो गए? पोस्टल बैलेट उन्होंने ओपन कर दिए हैं, वो तो 100 कुछ थे सिर्फ, लेकिन हमने उस सारी चीज़ों के ऊपर बाकायदा एप्लीकेशन दी है और चीज़ें मामला जो हैं सामने लिखे हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।